हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं मेरे सारे फ्रेंड्स? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 डेट इज़ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को डिस्कस करने वाले हैं इन वन शॉट। जी हाँ, ये होगा वन शॉट। सॉरी फॉर द डिले, थोड़ा डिले हो गया वन शॉट में, वो में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। और क्लास 10th जो अगर आपकी इकोनॉमिक्स जो है, क्लास 10th इकोनॉमिक्स, वो पूरी तरह कंप्लीटेड है, जिसके पांचों के पांच चैप्टर मैंने आपको करवा दिए हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट भी आपका वेट कर रहा है। और अगर आपने उनमें से कोई चैप्टर अभी तक मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी, बस आपको उसे क्लिक करना है, तो देन आप मेरे जो प्लेलिस्ट में है ऐड हो जाएंगे। सो आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? सो आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे वन शॉट में। वन शॉट रहेगा, यानी कि पूरे चैप्टर के कंसेप्ट हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो बस आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो दिस वीडियो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू एंड हेल्पफुल फॉर यू, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स स्टार्ट। सो वट, तो लेट स्टार्ट। तो अब बात करते हैं हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का। सबसे पहले तो मतलब समझते हैं, फॉरेस्ट यानी कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज यानी कि वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ के रिसोर्सेज हमें मिलते हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ से जो रिसोर्सेज मिलते हैं वो। चलिए तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वट इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? रेफर्स टू डाइवर्स फॉर्म ऑफ प्लांट, जो कि डाइवर्स फॉर्म ऑफ प्लांट को रेफर करती है, और एनिमल्स को जो कि एक दूसरे के क्लोजली इंटीग्रेटेड होते हैं और एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ द रेफर टू द डाइवर्स। सो लेट्स आई एम पहले तो एक अच्छा सा कलर ले लेते हैं। चलिए तो रेफर्स टू डाइवर्स फॉर्म ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स विच आर क्लोजली इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, जो कि एक दूसरे के क्लोजली इंटीग्रेटेड होते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं, जो कि अब क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू डाइवर्स फॉर्म ऑफ प्लांट, जो कि डाइवर्स फॉर्म होती है प्लांट्स की, एनिमल्स की, जो कि एक दूसरे के क्लोजली इंटीग्रेटेड होते हैं, एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अब इस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? अब एक अगर मैं कहूँ आर्टिफिशियल वेजिटेशन, तो आर्टिफिशियल वेजिटेशन तो जो मैंने बनाया, नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, वो प्लांट कम्युनिटी जो कि नेचुरली उगी है, यानी कि जो सिर्फ हमने कुछ नहीं उसमें लगाया, वो सीधा ही उगी, जैसे कि फॉरेस्ट में वुडलैंड, ग्रासलैंड्स एक्सेट्रा आर इट्स काइंड, जैसे कि घास खुद उगता है, हम कुछ लगाते नहीं हैं, खुद उग जाता है, उस प्रकार ये क्या हमारा उसके टाइप है, यानी कि इस टाइप के होते हैं वो, आर इट्स काइंड, इसके काइंड हैं वो, ठीक है। जैसे कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है कि कोई भी प्लांट जो सिर्फ खुद ही उग गया, अगर हमने कोई ना ही बीज बोया, ना ही उसे पानी डाला, जो कि खुद ही उग गया, वो नेचुरली ग्रोनअप हो गया। फॉरेस्ट, वुडलैंड, ग्रासलैंड्स ये इसके एग्जांपल्स हैं, और इसे विर्गन वेजिटेशन भी जाना जा वेजिटेशन से भी नाम के जान नाम से जाना जाता। तो अगर आपके वन मार्कर में आ जाए व्हाट इज़ विर्गन वेजिटेशन, तो आप लिखेंगे कि वो प्लांट कम्युनिटी जो कि खुद ब खुद उग गई है, ना ही हमें उसे पानी दिया, ना ही सीड दी, ना ही खाद दी, वो खुद ब खुद उग गई है, उसे हम कहेंगे नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। तो यानी कि जो जो खुद बाय खुद उग गई, हमने इसे ना ही बीज बोया, ना ही खाद डाली, वो अपने आप उग रही है, ठीक है, ग्रोन अप हो रही है, तो उसे हम कहेंगे नेचुरल वेजिटेशन। तो एक बार थोड़ी पढ़ लेते हैं, नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन नेचुरली, फॉरेस्ट, ग्रास, गेज लैंड एक्सेट्रा आर इट्स काइंड, इट आल्सो नॉन एज विर्गन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन ही वेजिटेशन। अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ क्या होती है? तो वाइल्ड एनिमल, जो कि सारे वाइल्ड एनिमल जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, और व्हाट इज़ द नेचुरल एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, यानी कि जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रह रहे हैं उसे हम कह सकते हैं वाइल्ड लाइफ, ठीक है, जो कि कोई सारे वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो नेचुरल एनवायरनमेंट यानी कि फॉरेस्ट में रह रहे हैं, तो वो सारे को हम कहेंगे वाइल्ड लाइफ। आई बात समझ में? अब एक टॉपिक आपके और आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, बट वो मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि वो आप सबको आता ही है। तो अब आ रही है फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और अ पीरियड, यानी कि जो प्लांट्स को किसी एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हो उसे हम कहेंगे फ्लोरा।
फोना जो कि एक एनिमल्स की क्या हो स्पीसीज हो, फ्लोरा क्या है प्लांट की स्पीसीज और फोना है एनिमल की स्पीसीज। अब बात करते हैं फ्लोरा एंड फोना इन इंडिया, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आए बार इससे एक 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चन पक्का आएगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ ना कितनी ज़्यादा स्पीसीज हैं, ठीक है, कितने ज़्यादा हमारे एनिमल्स हैं ये बार बताया हुआ है। तो अगर आप इसे नोट्स में लिख रहे हैं तो आप इसे हाईलाइट करके ज़रूर लिखें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस चैप्टर का। अब बात करते हैं फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। सो इंडिया इज़ रिच इन इट्स फ्लोरा, इंडिया में फ्लोरा जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इट हैड अबाउट 47,000 प्लांट स्पीसीज, अबाउट 15,000 फ्लावरिंग स्पीसीज आर एंडेमिक इंडिगिनस टू इंडिया, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या है, 47,000 प्लांट स्पीसीज है और 15,000 फ्लावरिंग की स्पीसीज है, फ्लावर की स्पीसीज है, और जो कि क्या है एंडेमिक है इंडिया में। अब एंडेमिक क्या है, ये आपके आगे आएगा टाइप्स ऑफ जो भी आएगा हमारा उसमें, टाइप ऑफ स्पीसीज क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज में आपका ये टॉपिक आएगा जो भी अभी आगे आएगा, तो मैं तब आपको बताऊँगा। सो इंडिया इज अब आल्सो रिच इन इट्स फोना, इंडिया में फोना भी सबसे ज़्यादा, इंडिया में फोना भी पाया जाता है। इट हैज़ मोर देन 80,000 ऑफ एनिमल, 81,000 से ज़्यादा एनिमल्स स्पीसीज हैं इंडिया में। द कंट्री हैज़ मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड, कंट्री के पास 1200 स्पीसीज से ज़्यादा जो है बर्ड की है। और देर आर 2500 स्पीसीज ऑफ फिश, मच्छी की भी यहाँ पर है, मतलब 2500 जो है वहाँ पर मच्छी की स्पीसीज है। एंड मोर देन 2500 स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की भी यहाँ पर स्पीसीज है। यानी कि इतना इंडिया में फ्लोरा भी ज़्यादा और फोना भी ज़्यादा है ना, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब इससे आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, फ्लोरा एंड फोना। बाकी इसका पीडीएफ आपको नोट्स का जो पीडीएफ है वो वेट कर रहा है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके अपना नोट्स को जो है डाउनलोड कर सकते हैं और देन यू कैन मेक नोट्स। बहुत ईजी नोट्स हैं और ज़्यादा इसमें कुछ है भी नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, दैट इज़ एंडेमिक प्लांट्स। अब क्या होते हैं एंडेमिक प्लांट्स, द वेरिगन वेजिटेशन विच आर पॉप्यूरली इन इंडिया, जो कि जो प्लांट्स वेरिगन वेजिटेशन नेचुरल वेजिटेशन, वो प्लांट्स या वो वेजिटेशन जो कि इंडियन हो, यानी कि इसमें कोई भी अदर हमने ना ही बाहर का कुछ डाला हो, वो प्योरली इंडियन हो, दे आर नोन एज इंडिजिनस स्पीसीज, और इन्हें इंडिजीनियस स्पीसीज भी कहा जाता है। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि इट इज़ मोर देन, तो जो कि क्या है प्योरली है इंडिया में, यानी कि जो कि प्योरली है, प्योरली इंडियन है, यानी कि इतनी फ्लावरिंग स्पीसीज है जो कि प्योरली इंडियन है, ठीक है। तो ये आई बात समझ में, एंडेमिक स्पीसीज व्हाट आर, जो कि प्योरली इंडियन हो उसे हम कहते हैं इंडिजिनस स्पीसीज या फिर एंडेमिक प्लांट्स। अब बात करते हैं इकोसिस्टम, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल इन एन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटररिलेटेड टू ईच अदर इन देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। सारे प्लांट्स और एनिमल जो कि क्या है इंटरडिपेंडेंट है और इंटर रिलेटेड हैं अपने फिजिकल एनवायरनमेंट में, थस फॉर्मिंग एन इकोसिस्टम, और वो क्या बनाते हैं अपना एक इकोसिस्टम बनाते हैं, ठीक है। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल इन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से ईच अदर से क्या है इंटर रिलेटेड है और इंटरडिपेंडेंट है, और अपने इन देयर अपने अपने फिजिकल एनवायरनमेंट में, और वो क्या बना रहे हैं इकोसिस्टम मेक कर रहे हैं। ये आपने पढ़ा भी हो इसलिए मैंने ज़्यादा डीपली नहीं समझाया, ये आपको आता भी है, आई बात समझ में। तो व्हाट आर इकोसिस्टम, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया, ठीक है, इन एन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड टू ईच अदर इन देयर फिजिकल एनवायरनमेंट थस फॉर्मिंग एन इकोसिस्टम। अब बात करते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज इन इंडिया विच आर इन क्रिटिकल कंडीशन, इंडिया में स्पीसीज जो कि क्रिटिकल कंडीशन में, इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है, व्हाट आर इंडेंजर्ड, ये भी मैं अभी आपको आगे यहीं पर बता दिए तो आपको मज़ा किरकिरा हो जाएगा इस चैप्टर में, है ही मेन में स्पीसीज, ठीक है। आपकी बुक में एक ही पेज दिया हुआ है, उससे पहले देखो एक पेज में कितना चाट के मैंने लिखा है ना, इतना मेन है, मतलब काम की चीज़ें आपकी एनसीईआरटी कम देती है। एसएसटी के लिए तो आप एनसीईआरटी फॉलो करो, क्योंकि उसमें इतना नहीं, साइंस की और मैथ्स के लिए आप अलग बुक्स जैसे कि एडुकार्ट वगैरह को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आपको मैथ्स में तो एक एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिक में तो शायद तक आएँ, लेकिन स्टैंडर्ड में तो बाहर से आता है बेसिक में कोई क्वेश्चन, कभी कभार एक आधा आ जाए तो कोई कह सकते हैं एक आधा होता हो, बाकी सारा आपका बाहर से आता है। तो स्टैंडर्ड के लिए आप अलग अलग बुक्स आर डी शर्मा वगैरह वगैरह ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम इंडेंजर्ड स्पीसीज इन इंडिया जो कि क्या है क्रिटिकल कंडीशन में, इनकी उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है,
चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट स्पॉट ओलेट एंड प्राण लाइक मेडुका इंसेंस, अ वैरायटी ऑफ मवा एंड हबर्डिया हेपेट्रेंस एक्सेट्रा। ये क्या इनकी कंडीशन क्रिटिकल है, यानी कि अब इंडिया में कम, अभी ये क्या हो गया, पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, अब ये हमें देखने मिल ही नहीं रहे हैं, यानी कि अभी इसमें क्या है, ये मिलते नहीं है हमारे इंडिया में, ठीक है। तो यानी कि अब इसे आप इंडिया में मिलते नहीं, इंडिया में देखने को मिलेंगे नहीं आपको ये इतनी सारी चीज़ें। नाम तो सुन लिया, कभी देखा है चीता? आप देखो, हमने क्या चीता देखा है? देखा था एक बार, लास्ट बार ही चीता देखा गया था, उसके बाद कभी चीता नहीं देखा गया। देखा नहीं क्योंकि इनको कुछ अपना इन्वायरमेंट सही नहीं था, लोग इनका हंट कर रहे, इनको मार रहे थे, तो चीते जो है हमें देखने को नहीं मिले। और अब देखा आपने नरेंद्र मोदी ने कितने जो चीते हैं वो लेके आए हैं वो इंडिया में, यानी कि चीते जो है गायब हो चुके थे, पूरी तरह इंडिया से गायब हो चुके थे, और उसके बाद मोदी जी अब इसमें चीते लेके आए, ठीक है। तो यानी कि वो अभी हमें को देखने को मिल नहीं रहे। और पिंक हेडेड डक तो किसी ने देखी नहीं होगी जी, ठीक है, उसका हेड क्या होता है, पिंक होता है, इतना बात ध्यान से रखो। कोई हेड है, हमने डक्स तो आम देखे हैं, ऐसे तो नहीं देखे ना डक, तो यानी कि ये इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये अभी हमें इंडिया में देखने को नहीं मिलेंगे। स्पीसीज फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, वो स्पीसीज जो कि कर रही हैं एक्सटिंक्शन का थ्रेट जो है फेस कर रही हैं। अमंग द लार्ज एनिमल इंडिया, 7 अ स्पीसीज अ मैमल्स, 44 ऑफ बर्ड्स, 15 ऑफ रेप्टाइल एंड 3 ऑफ आर थ्रेटेंड, वो क्या कर दी गई है, थ्रेटेंड कर दी गई हैं, ठीक है। वो आपको ये भी दिखने को नहीं मिलेंगी, धीरे धीरे ये की कम होती जा रही है, जैसे कि मैमल्स 7 स्पीसीज, 44 बर्ड्स की, 15 रेप्टाइल्स की, 3 एम्फीबियंस की, ये भी अब आपको इंडिया में कम देखने को मिल रही होगी। धीरे धीरे क्या आएगा, एक ऐसा समय जाएगा जब ये भी क्या बन जाएंगी, ठीक है, यानी कि ये एंडेमिक स्पीसी इंस्ट्रक्शन से क्या हो जाएगी, गायब होकर इंडेंजर स्पीसीज बन जाएगी, यानी कि इनकी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। अब इंडिया में क्या हो रहा है कि यानी कि उनको अब कुछ मिलता नहीं था अपने फिजिकल एनवायरनमेंट में, वो सही नहीं थे, अब धीरे धीरे क्या होता है, इकोसिस्टम ख़राब हो रहा है, उसके कारण एनिमल्स भी ख़राब हो रहे हैं और एनिमल्स की मृत्यु हो रही है, ब्रीड तो बन रही थी आगे, ठीक है, ख़राब हो रहे हैं और वो मर रहे हैं। इसी कारण एक समय ऐसा आएगा जब इंडिया में कुछ नहीं देखने को मिलेगा, आपको कोई एनिमल ही नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? अब क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें थोड़े कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अब बेस्ड ऑन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल सोर्सेज इन IUCN के बेस पर वी कैन क्लासीफाई, हम इन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला नॉर्मल स्पीसीज, नॉर्मल स्पीसीज क्या है, जिसका मतलब जो कि सर्वाइवल के लिए नॉर्मल, यानी कि जो हमें आम देखने को मिलते हैं, नॉर्मल यानी कि आम हमें आम देखने को मिलते हैं, जैसे कि कैटल में काओ, बफलो, ये हमें आम देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि डॉग, ठीक है, पाइन, रोडेंट्स, ये हमें आम देखने को मिलते हैं। अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो आई नहीं, क्योंकि नॉर्मल स्पीसीज तो वो स्पीसीज जो कि नॉर्मली हमें मिल जाती है, ठीक है, यानी कि जिसको हमें ज़्यादा ढूंढने की जरूरत आवश्यकता नहीं है, वो हमें नॉर्मली हमारे यहाँ पर इंडिया में मिल रही हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं कि कहाँ मिल रही हैं। नॉर्मल स्पीसीज आर द नॉर्मल इन नेचर, स्पीसीज हुज पॉपुलेशन लेवल आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल, सच एज कैटल, सेल, पाइन, रोडेंट्स एक्सेट्रा, क्योंकि जो नॉर्मल है, यानी कि जिनके सर्वाइवल यहाँ पर हो सकता है। गायें भैंस हम रखते हैं घरों में, हमें घरों में रखे जाते हैं तो उनका सर्वाइवल होगा, क्योंकि जब उन्हें टाइम पे खाना मिलेगा, ठीक है, तो सर्वाइवल तो हो रही है उनका, तो इनकी ये नॉर्मल अपने सर्वाइवल के लिए ये सर्वाइव कर सकते हैं इस फिजिकल एनवायरनमेंट में। अब बात करते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होते हैं, दीज आर स्पीसीज विच आर डेंजर ऑफ एक्सटेंशन, वो स्पीसीज जो कि एक्सटेंशन के डेंजर में है, यानी कि जो धीरे धीरे कम हो रहे हैं इस इंडिया में, यानी कि धीरे धीरे उनकी जो मात्रा है वो कम होती जा रही है, जैसे कि इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, संगाई, लॉयन, टेल्ड मैक्यू एक्सेट्रा, इनकी क्या हो रही है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, ठीक है, यानी कि ये एक समय ऐसा आएगा जब ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, यानी कि ये गायब हो जाएंगे, आपको देखने को मिलेंगे नहीं कहीं पे, ठीक है। इंडेंजर्ड स्पीसीज यानी कि जो डेंजर में है, जो कि जिनको खतरा है, यानी कि जिनको जो स्पीसीज को खतरा है कि वो यहाँ पर सर्वाइव कम समय के लिए कर सकते हैं, वो स्पीसीज क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। हम बात करते हैं वल्नरेबल स्पीसीज क्या होती हैं, दीज आर स्पीसीज हुज पॉपुलेशन लेवल हैज़ टू बी डिक्लाइन टू लेवल फ्रॉम इट लाइकली मूव टू इंडेंजर्ड कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर इफ द नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट, ठीक है, यानी कि क्या होगा,
इनकी एक्सटेंशन है जो कि अपने खतरे के एक्सटेंशन में इंडेंजर्ड में तो है ना, वल्नरेबल स्पीसीज वो स्पीसीज जिनको खतरा है और वो फ्यूचर में आने तक इंडेंजर्ड कैटेगरी में चले जाएंगे, इनकी जो वो भी आपको देखने के लिए ये क्या एक्सटेंशन है कि इनमें से कुछ एनिमल्स ही हमें अभी देखने को मिलते हैं इंडेंजर्ड में, बाकी सारे हमें देखने को नहीं मिलते हैं। इफ़ द नेगेटिव फैक्टर, अगर नेगेटिव फैक्टर उन पर असर डालते रहे तो वो हमें गायब हो जाएंगे, वो स्पीसीज हमें देखने को मिलेगी नहीं। वल्नरेबल स्पीसीज यानी कि वो स्पीसीज जो कि कह सकते हैं आप इंडेंजर्ड कैटेगरी में मूव कर जाएंगी फ्यूचर में, और ये आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। जैसे कि ब्लू शिप, आप देखते हो ब्लू शिप मिली है अभी आपको, देखने को कम ही मिलती है। एसेटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन एसेट्रा करते हैं। रेयर स्पीसीज की, तो रेयर स्पीसीज स्पीसीज विद स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू इंडेंजर्ड और वल्नरेबल फैक्टर्स नेगेटिव फैक्टर दैम कंटिन्यू टू ऑपरेट, यानी कि स्पीसीज वो स्पीसीज जो क्या कर सकती हैं इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी में जा सकती हैं अगर नेगेटिव फैक्टर उनके ऊपर असर डालते रहे, जैसे कि हिमालय ब्राउन बियर, वाइल्ड एसेटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल एक्सेट्रा, ये क्या इनके मूव है एग्जाम्पल। अब वो स्पीसीज जो कि गायब हो सकती हैं अंडे में और आने तक आने वाले समय में आपको वो कम देखने को मिल जाएंगी। एक समय ऐसा आएगा जब ये सारी स्पीसीज ही गायब हो जाएंगी, तो क्या होती है वल्नरेबल स्पीसीज, तो वो होती हैं जिनको मतलब फ्यूचर में आने तक वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में जा सकती हैं, और रेयर स्पीसीज वो इनकी जो जो स्पीसीज की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है। रेयर का मतलब बहुत ज़्यादा रेयर, तो यानी कि इनकी पॉपुलेशन की जो स्पीसीज है पॉपुलेशन है जो स्पीसीज की वो बहुत ज़्यादा कम है और वो इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी में जा सकती हैं, यानी कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो सकती हैं। आई बात समझ में। अब बात करते हैं एंडेमिक स्पीसीज की, तो दीज आर स्पीसीज विच आर ओनली इन पर्टिकुलर एरिया यूजली आइसोलेटेड बाई नेचुरल और जियोग्राफिकल बैरियर्स, यानी कि ये क्या मिलता है हमें कुछ वैसे, ठीक है, ये स्पीसीज सिर्फ अपने अपने एरियाज़ में मिलती है, यानी कि इनके कुछ एरियाज हैं, ये स्पीसीज सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया में मिलती है, बाकी ये स्पीसीज कहीं पर मिलती पाई जाती नहीं है। जैसे कि सच एंडमन टील, ये आपको मिलेगा एंडमन में। निकोबर पिगन, ये आपको निकोबर में मिलेगा। एंडमन वाइल्ड पिग, ये आपको एंडमन में। मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा आपको। इनके कुछ कुछ एरियाज़ हैं वहीं पर ही आपको स्पीसीज जो है मिलती है, ठीक है। तो मैं थोड़ा स्पीड, अगर मेरे तेज़ है तो इसको आप कम कर सकते हैं, बाकी इसमें कुछ है नहीं। एंडमिक तो यानी कि वो जो हमें कम कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में मिल रही हैं, मतलब उसमें ज़्यादा हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ एरियाज़ हैं वहीं पर ही वो मिल रही हैं हमें। अब बात करते हैं एक्सटेंट स्पीसीज की, तो दीज आर स्पीसीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेस ऑफ नॉन और लाइकली एरियाज वेयर दे मैकर, और ये स्पीसीज जो कि क्या हो चुकी है एक्सटेंट हो चुकी है, यानी कि पूरी तरह गायब हो चुकी हैं, और ये सर्चेस करने के बाद भी अभी तक कहीं प्राप्त जहाँ पर ये पाए जाते थे सबसे पहले उस एरिया में देखा गया तो वहीं पर भी नहीं मिले, रिसर्च की गई तो वहीं पर भी वे ये नहीं मिले, यानी कि अभी कहीं पर भी ये पाए नहीं जाते हैं। इंडिया में तो ये नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर ये हो सकता था कि यहाँ पर मिलेंगे वहीं पर भी ये क्या स्पीसीज जो है हमें नहीं मिली। एक्सटेंट स्पीसीज, दीज आर स्पीसीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेज ऑफ नॉन और लाइकली एरियाज वेयर दे में अकर, एग्जाम्पल एसेटिक चीता, पिंक हेडेड डक, ये आपको कहीं नहीं मिलती हैं, लेकिन अब तो मिलने लग गए चीते हमारे इंडिया में, क्योंकि जब से मोदी जी ने चीते लाए तो 10 चीते ही हैं अभी तक इंडिया में, पता नहीं कितने चीते हैं अभी, 10 हैं या फिर 8 हैं, मुझे तो अभी पूरी जानकारी नहीं है। अब बात करते हैं हम IUCN, वट इज़ IUCN, तो द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इज़ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ग्लोबल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो कि 1948 में फाउंड की गई थी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, भी इसे कहा जाता है, इनकी इनका काम क्या है कंजर्व करना फॉरेस्ट वगैरह को, नेचुरल एनवायरमेंट को कंजर्व करना इनका जो है मेन वर्क है। अब क्या है कॉसिस, फ्लोरा और फोना का डिप्लेशन क्या है, मतलब क्या कारण है कि ये कम होते जा रहे हैं, डिप्लीट होते जा रहे हैं। तो ह्यूमन बींग ट्रांसफॉर्म नेचर इनटू रिसोर्स ऑफ अटेनिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड लाइफ वाइल्ड लाइफ सच एज वुड, बाक्स, लीव्स, रबड़, मेडिसिन, डाइस, फूड, फ्यूल, वाटर, मैनर एक्सेट्रा विच डिप्लीटेड आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ह्यूमन बींग्स ने क्या कर दी, इस नेचर को एक रिसोर्स ऑबिटेनिंग बना लिया, यानी कि ह्यूमन बीन ने सोचा ये नेचर नहीं है, प्रकृति नहीं है, तो इससे बस हमें अपने जो चीज़ें चाहिए बस वो ही मिलती हैं, कि ये किसी काम का नहीं, ये मानना इंडियन का हमारे लोगों का देख लेना। तो
ठीक है, तो यानी कि उनका मानना ये है कि ये सिर्फ टाइम पास के लिए है, ठीक है, यानी कि इनका सिर्फ हमें रिसोर्स चाहिए, इनसे हमें बस चीज़ें मिल सकती है, बाकी से कुछ नहीं मिल सकता, ठीक है, ठीक है। जैसे कि हमने के पेड़ों को काटने स्टार्ट कर दिया, हमें क्या चाहिए, वुड चाहिए, ट्रीज़ हमें घर बनाने हैं तो उसके लिए वुड तो चाहिए, पेपर बनाने हैं उसके लिए वुड चाहिए, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता जा रहा है, मतलब पेड़ कटते जा रहे हैं और फ्लोरा और फौना कम होते जा रहे हैं, उनका उनका डिप्लेशन होता जा रहा है। आगे अब फैक्टर क्या रिस्पॉन्सिबल है कि जो कि इंडियन बायोडाइवर्सिटी में डिक्लाइनेशन हो रहा है, डिक्लेनेशन हो रहा है उसके कारण, तो सबसे पहले तो ओवर पॉपुलेशन हो रही है, ओवर पॉपुलेशन हो रही है तो घरों लैंड एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा चाहिए जिससे सभी भूखे ना मरें, ज़्यादा लैंड चाहिए, है ना। ओवर पॉपुलेशन क्या है इसका मेन फैक्टर, मेन फैक्टर है जो जिसने बायोडाइवर्सिटी में डिक्लेनेशन ला दिया, यानी कि इसके कारण से भी कम होता है, क्योंकि अगर कम मिलेंगे तो लोग आधे भूखे मर जाएंगे और वैसे ही मर जाएंगे। आगे आगे माइनिंग और ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, माइनिंग से भी जो है कम होते जा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी में डिक्लेनेशन हो रहा है। अनइक्वल एक्सेस इनक्वाइटेबल कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज को हम ज़्यादा कंज्यूम करने लग गए हैं। उसके बाद हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पॉचिंग, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर्स, ये है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के कारण है। रिवर वैली प्रोजेक्ट, फ्यूल वुड कलेक्शन में भी हमने क्या करते हैं, काट लेते हैं वुड्स, उसके कारण क्या होता है कि इंडियन बायोडाइवर्सिटी में डिक्लेनेशन होता है, वो कम होती जा रही है। अब क्या है द हिमालयन यू, ये आपके बुक में दिया है, तो द हिमालयन यू टेक्सिस वल्चिना इज अ मेडिकल इन प्लांट जो कि वेरी फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। द हिमालयन यू क्या है, एक टेक्सिस वॉलिकेनिया, यानी कि एक मेडिकल प्लांट है जो कि हिमाचल प्रदेश के और अरुणाचल प्रदेश के कई कई इलाकों में जो है पाया जाता है। आई बात समझ पे, अब इसका यूजेस क्या है, एक केमिकल कंपाउंड कॉल्ड टैक्सोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बाग, जो हमारा केमिकल कंपाउंड है जैसे कि टैक्सोल, वो इसके बाग से ऑब्टेंड किया, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, नीडल, ट्विग्स और रूट ऑफ दिस ट्री से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एंड इट हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज टू ट्रीट सम कैंसर्स, और इससे जो है कैंसर्स भी ट्रीट हो सकते हैं, कुछ टाइप के कैंसर्स इससे ट्रीट हो सकते हैं, यानी कि इससे बच सकते हैं कैंसर, अगर ये ले लें हम खा वगैरह लें, इसकी दवाई ले लें तो इससे जो कैंसर हो रहा है वो कम हो जाएगा। अब इसके डिसएडवांटेज, द स्पीसीज इज़ अंडर ग्रेट थ्रेट ड्यू टू ओवर एक्सप्लोटेशन हो रहा है इसका, अगर ओवर एक्सप्लोटेशन और एक्सप्लोटेशन हो रहा है इसका तो ये ग्रेड 3D यानी कि ख़त्म होने के चांसेस हैं इसके। इन द लास्ट वन डिकेड थाउजेंड्स ऑफ यू ट्री हैड ड्राइड अप इन वेरियस पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश, और पिछले कई सालों में जो है हिमाचल प्रदेश, पिछले एक साल में, एक डिकेड में क्या हो रहा है हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ कि कहीं पर ये जो यू ट्रीज थे वो क्या हो गया, ड्राइड हो चुके हैं, यानी कि वो सूख चुके हैं वहीं इलाकों में, तो क्या हो रहा है उनकी उन्हें सुखा दिए गए हैं मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए। तो यानी कि इसका डिसएडवांटेज है कि ओवर एक्सप्लोटेशन हो रहा है तो उससे क्या होगा, कम हो जाएगा ट्री और ये स्पीसीज बिल्कुल ख़त्म भी हो सकती है। चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डैट इज़ सोशल इफेक्ट्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग रिसोर्सेज, कि हम जो रिसोर्सेज जो डिप्लीट कर रहे हैं, हम इन रिसोर्सेज को ख़राब कर रहे हैं, उनके क्या सोशल इफेक्ट्स पड़ेंगे, यानी कि उनके सोशल इफेक्ट्स से मतलब सामाजिक प्रभाव, यानी कि उनके सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा उन पर। तो ड्यू टू सिक्योरिटी ऑफ रिसोर्सेज देयर आर एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द सोसाइटी, वुमेन आर मोर बर्न टू कलेक्ट लाइक सम थिंग्स लाइक फ्यूल, फॉडर, ड्रिंकिंग वाटर एंड अदर बेसिक थिंग्स, यानी कि अगर जब सिक्योरिटी क्या होती है, सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जितनी हमें चीज़ हमारी कंट्री को चाहिए अगर उससे कम मिल रहा है तो उससे हम कहेंगे सिक्योरिटी, तो यानी कि अगर जितनी अगर सिक्योरिटी हो जाए रिसोर्सेज की तो उसके क्या बड़े पड़ेंगे, कुछ एडवर्स इफेक्ट्स पड़ेंगे इस सोसाइटी पे, जैसे कि वुमन को ज़्यादा मतलब मोर बर्नड, यानी कि वुमन्स को क्या करना पड़ेगा का मतलब ज़्यादा मतलब चीज़ों को इकट्ठा करने की ज़रूरत है, जैसे कि फ्यूल, फॉडर, ड्रिंकिंग वाटर एंड अदर बेसिक थिंग्स, यानी कि उनको ज़्यादा चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो यानी कि उनको ज़्यादा चीज़ें लानी पड़ेगी अगर वहीं पर रिसोर्सेज की मतलब उनको इन चीज़ों की कमी भी होगी, ठीक है, और उन्हें ज़्यादा दूर तक जाना पड़ेगा अगर ऐसी चीज़ें उन्हें चाहिए, तो इसके लिए
तो अगर वो ना ही फॉरेस्ट को मतलब फॉरेस्ट को बर्बाद करे तो उन्हें ये चीज़ अपने घर के पास ही मिल जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं, ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें ख़राब कर रहे हैं। तो ड्यू टू लैक ऑफ दीज रिसोर्सेज वुमेन हैव टू वर्क मोर, ज़्यादा काम करना पड़ेगा वुमेंस को। इन सम विलेजेस वुमेन हैव टू वॉक सेवरल किलोमीटर टू फेच ड्रिंकिंग वाटर, और पीने का पानी लाने के लिए ना उन्हें क्या करना पड़ता है, ज़्यादा दूर तो किलोमीटर्स दूर तक जाना पड़ता है। ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन नेचुरल क्लाइमेटिक्स लाइक फ्लड एंड ड्रॉट इंक्रीज ड्यू टू विच द पुअर सफर अलॉट। यानी कि अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो उसके कारण जो नेचुरल क्लाइमेट जैसे कि बाढ़ आना और ड्रॉट्स है ना वो बढ़ सकते हैं, जिससे जो हमारा इंडिया बर्बाद भी हो सकता है और ज़्यादा बच भी नहीं सकता। और वो जो गाँव में डिफॉरेस्टेशन हुआ है ना तो उन्हें ऑक्सीजन की कमी भी वहाँ पर मिलेगी, देख लेना। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया की। अगर कंजर्वेशन करना है फॉरेस्ट का और वाइल्ड लाइफ का इंडिया में तो कैसे करें। तो कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ अ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज़ बिकम एसेंशियल। यानी कि अब क्या करना, मतलब कंजर्वेशन करना फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया है, एसेंशियल बन गया है हमारी लाइफ के लिए। इन द 1960s and 1970s कंजर्वेशन डिमांडेड अ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। तो 1960s में और 1970s में जो कंजर्वेशन थी ना उन्होंने जो मतलब जो कंजर्वेशन करती है हमारी इंडिया में उन्होंने एक नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम को जो है चलाया था। अब इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972 में ये इम्प्लीमेंट किया गया था एंड लेटर इन 1980 में किया गया था उसके बाद एंड 1986 में और 1991 में सम अदर प्रोविजंस आर ऐड। 1991 में इसमें कुछ अदर प्रोविजंस जो क्या कर दिए गए थे, ऐड कर दिए गए थे। अब सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, तो ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, उसके बाद सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, सरिक्षा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान, मनास टाइगर रिजर्व इन असम, पेरियर टाइगर रिजर्व इन केरला। तो यानी कि ये चीज़ अगर आपने पढ़ ली ना तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, एक पक्का एनसीक्यू उसमें से पक्का आएगा कि कौन सी जो है कौन सा पार्क या फिर कौन सी सेंचुरी कहाँ पर है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है वेयर वाज द सरिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड, और चार ऑप्शन दे दी जाए राजस्थान, असम, बिहार या फिर केरला, तो आप किस पे टिक करेंगे, राजस्थान पे। तो बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं। नेचुरल फॉरेस्ट वर हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ अ वाइल्ड एनिमल्स बर्ड आर प्रोटेक्टेड। वहाँ पर क्या होता है कि हंटिंग वगैरह एनिमल्स की वो क्या की जाती है, बंद कर दी जाती है और वहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। यानी कि वाइल्ड एनिमल्स की और बर्ड्स की वहाँ पर हंटिंग बंद कर दी जाती है। अब उसके बाद पर्पस ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का क्या पर्पस था। द मेन ऑफ दिस प्रोग्राम वॉज प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन इंडेंजर्ड स्पीसीज बाय बैनिंग हंटिंग। ये मतलब जो बची कुची हमारी इंडेंजर्ड स्पीसीज है ना उनको बचाना, इसका मेन एम था। किसके द्वारा, हंटिंग को बैन करना, गिविंग लीगल उनकी हैबिट्स को लीगल प्रोटेक्शन देना और रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। इनकी वाइल्ड लाइफ की ट्रेड मतलब लोगों से बेच देते हैं ना, तो उसको बेचना भी बंद करना था, इसीलिए जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट चलाया गया था, ठीक है, मतलब उसको बंद करना था। द सेंट्रल एंड मैनी स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। जो स्टेट सेंट्रल और मैनी स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई थी। द सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस्ड सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने कुछ अनाउंस किए थे सेवरल प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एनिमल्स को बचाने के लिए, विच वर ग्रेवली थ्रेटेंड, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रेवली थ्रेटेंड थे, इंक्लूडिंग द टाइगर, जैसे कि टाइगर एंड द वन हॉर्न राइनासोर्स एंड अदर। इनकी एक सिंग राइनासोर और अदर्स, ये आजकल देखने को आपको नहीं मिलेंगे, बट ठीक है। अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ईयर 1973 को इसे लॉन्च किया गया था, ताकि वो टू सेव द इंडेंजर स्पीसीज ऑफ टाइगर इन द कंट्री, ताकि जो हमारी इंडेंजर स्पीसीज है टाइगर की वो कंट्री में बच सके। अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 and 1986 सेवरल हंड्रेड्स बटरफ्लाइज, मोथ्स, बीटल्स एंड वन ड्रैगन फ्लाई हैव बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज की लिस्ट में जो है, जैसे कि सेवरल हंड्रेड बटरफ्लाइज, मोथ्स, बीटल्स, वन ड्रैगन फ्लाई हैव बीन, मतलब इनको ऐड कर दिया गया कि इन्हें जो है हमें बचाना है, ये हमारी प्रोटेक्टेड स्पीसीज है, इन्हें बचाना है। इन 1991 फॉर द फर्स्ट टाइम
प्लांट्स वर आल्सो एडेड टू द लिस्ट। 1991 में कब प्लांट्स को भी ऐड किया गया लिस्ट में, स्टार्टिंग विद द सिक्स पीसेज, जो कि सिक्स पीसेज से स्टार्ट हो रहे थे। अब बात करते हैं टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। चलिए, इन इंडिया मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर आइदर ओन्ड और मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो कि है वो गवर्नमेंट मैनेज करती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या फिर अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की हेल्प से। तो ये क्या करते हैं, इन कैटेगरीज में क्लासिफाई है। फर्स्ट इज रिजर्व फॉरेस्ट, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। यानी कि जितने भी फॉरेस्ट, मतलब हाफ ऑफ द लैंड जो कि टोटल फॉरेस्ट की उसे रिजर्व, मतलब जैसे कि मानो ये टोटल फॉरेस्ट है, इसकी जो हाफ ऑफ लैंड है इसे रिजर्व फॉरेस्ट कर दिया गया। रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्नड। और इसमें क्या होता है कि इसमें हंटिंग वगैरह क्या है, बैन है। यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट में आप बैन हंटिंग वगैरह नहीं कर सकते हो, ठीक है। यानी कि अगर आप करते हो तो आपको जेल भी हो सकती है, जैसे कि अभी केस चला था हिरन के ऊपर, सलमान खान द्वारा हिरन को मार दिया गया था। तो उसमें जो है क्या हुआ था, हिरन को मार दिया गया था, तो उसमें क्या किया गया था, हिरन को जैसे ही मारा था तो उसे उन्हें जेल कर दी गई थी। क्यों जेल कर दी गई, क्योंकि उन्होंने एक एनिमल को मारा था। तो इसीलिए रिजर्व फॉरेस्ट में हंटिंग बिल्कुल ही बंद है, यहाँ पर हंटिंग बिल्कुल भी नहीं की जाती। और ये मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम फॉरेस्ट अकेले फॉरेस्ट की कंजर्वेशन थोड़ी करनी है, हमें वाइल्ड लाइफ की तो करनी है। तो वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए ये चीज़ें यहाँ पर लागू की गई। अगला, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ऑलमोस्ट वन ऑफ द थर्ड ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरियाज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया कि जितना हमारा टोटल फॉरेस्ट एरिया ना, उसका वन थर्ड जो पार्ट है वो क्या हमारा प्रोटेक्टेड है, यानी कि उन्हें हमें बचाने की आवश्यकता है। दिस फॉरेस्ट लैंड आर आल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम अदर डिप्लेशन से भी, इससे बचाना ज़रूरी है। और यहाँ पर फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या होता है कि यहाँ प्रोटेक्ट तो किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, बट यहाँ पर जो वहाँ मतलब आदिवासी वगैरह लोग वहाँ पर रहते हैं उन्हें कभी कभार हंटिंग करने की इजाज़त दे दी जाती है, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं। कई बार उन्हें पता है अभी उन्हें वहाँ रहना है तो भूखे मर सकते हैं वो, इसीलिए उन्हें कभी कभार हंटिंग की इजाज़त दे दी जाती है और यहाँ पर हंटिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बैन नहीं है हंटिंग, यहाँ पर कभी कभार वो हंटिंग कर लेते हैं, यहाँ पर मतलब ज़्यादा समय बार हंटिंग नहीं करवाई जाती क्योंकि उन्हें भी ज़िंदा रहना ज़रूरी है। आई बस समझ पे। अब बात करते हैं अनक्लास फॉरेस्ट। दीज आर द अदर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड्स बिलोंगिंग टू द बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी। ये वो फॉरेस्ट होते हैं जो कि करते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। यहाँ पर वो आके कुछ भी कर सकते हैं, लकड़ वगैरह काट सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि ये गवर्नमेंट के भी हैं, प्राइवेट के भी हैं और कम्युनिटी के भी हैं, ये अनक्लास फॉरेस्ट, ठीक है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में प्रोटेक्ट किया जाता है और यहाँ पर मतलब लकड़ी वगैरह काटना रिजर्व फॉरेस्ट में मना है, और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में भी मना है लकड़ी वगैरह काटना। अब बात करते हैं कम्युनिटी और कंजर्वेशन, कि कम्युनिटी में क्या है और कंजर्वेशन। वी ऑफ्टन इग्नोर दैट इन इंडिया फॉरेस्ट आर आल्सो होम टू ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़। हम इग्नोर कर देते हैं कि इंडिया के जो फॉरेस्ट है ना वो होम है ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ के लिए। इन सम एरियाज ऑफ इंडिया लोकल कम्युनिटी आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दिस हैबिटेट अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल रिकॉग्नाइजिंग दैट ओनली दिस विल सिक्योर द लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे इलाके वहाँ हैं जहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटीज़ क्या कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, ठीक है। कम्युनिटी और कंजर्वेशन का इसका मतलब कम्युनिटी ने क्या हेल्प की कंजर्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं कंजर्वेशन में। बहुत सारी कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है ताकि वो फॉरेस्ट डिप्लेशन को बचा सके, लाइवलीहुड को बचा सके, और वो क्या कर रही है, गवर्नमेंट के साथ मिलकर उनका साथ दे रही है। द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैज़ डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टर्स। जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है ना राजस्थान की, उसने 1200 हेक्टर्स को डिक्लेयर किया है। द फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालयस हैड नॉट ओनली सक्सेसफुली रिजल्टेड डिफॉरेस्टेशन इन सेवरल एरिया। जो फेमस चिपको मूवमेंट था ना वो सिर्फ सक्सेसफुली रिजिस्टेंस नहीं था डिफॉरेस्टेशन सेवरल एरिया में, मूवमेंट चलाया गया था ताकि अफोरेस्टेशन हो सके, यानी कि पेड़ लगाए जाए इसके, डिफॉरेस्टेशन ना हो सेवरल एरियाज में। अब फार्मर्स एंड सिटीजन ग्रुप लाइक द बीज बचाओ आंदोलन इन तैहरी एंड नवदान्या हैव शोन दैट एडुकेट लेवल्स ऑफ डिस्पाइड क्रॉप प्रोडक्शन विद द यूज़ ऑफ सिंथेटिक।
यानी कि उन्होंने कह दिया कि हम जो है सिंथेटिक माल यूज़ नहीं करेंगे, हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे। ऑर्गेनिक खेती मतलब हम उसमें कोई किसी भी प्रकार का, लोगों ने कह दिया कि जैसे उन्होंने बीज बदाव आंदोलन चलाया तैहरी में और नवदान्य में, और उन्होंने कहा कि हम जो है क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे विदाउट यूज़ ऑफ सिंथेटिक, यानी कि हम पोटैश वगैरह DAP वगैरह उसमें यूज़ नहीं करेंगे, हम ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करेंगे, जैसे कि हमारे गायों की खाद उस प्रकार की, यानी कि उसमें हम दूसरी चीज़ें नहीं मिलाएंगे। द प्रोग्राम हैज़ बीन इनफॉर्मल एक्सटेंस इन 90s व्हेन द स्टेट ऑफ ओरिसा पास द फर्स्ट रिजोल्यूशन फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। और ये प्रोग्राम था ना फॉर्मल, और 1998 में क्या किया, ओडिशा ने फर्स्ट रेजोल्यूशन पास किया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए। अब क्या था चिपको मूवमेंट, क्या होता था बेसिकली, जब भी कोई किसी पेड़ को काटने के लिए आते थे तो ये क्या कर देते थे, उस पेड़ से चिपक जाते थे। या पिक देख रहे होंगे यहाँ पर चिपक, ये वुमेंस चिपकी पड़ी हैं, क्योंकि वो क्या करते थे पेड़ों के साथ चिपक जाते थे, जिस ताकि उसके कारण अगर वो पेड़ काटेंगे तो हम भी मरेंगे, तो वो पेड़ को ना काट पाए, इसलिए वो क्या करते थे चिपक जाते थे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनको भी साथ में काट देते थे, जैसे कि अमरिता देवी होगी, उनको सभी को उनके साथ काट दिया गया था। और जब वहाँ पर पता लगा कि उनके महाराजों की लकड़ियों को काटा जा रहा है, स्टोरी आपने बेसिकली पढ़ी होगी, जब उन्हें काटा जा रहा है तो उन्होंने ये बंद करवा दिया था, ठीक है। तो यानी कि चिपको मूवमेंट, यानी कि वुमेंस क्या करती थी चिपक जाती थी पेड़ के साथ, चिपको मतलब चिपकना, तो ये पेड़ के साथ वगैरह के साथ चिपक जाती थी, जिससे कुछ ना हो पाए, मतलब जिससे वो पेड़ को ना काट पाए। इट वॉज ऑर्गेनाइज इन हिमालयस में ऑर्गेनाइज किया गया था इसे, टू रेजिस्ट डिफॉरेस्टेशन इन सेवरल एरिया, ताकि डिफॉरेस्टेशन ना हो पाए। दे आल्सो ऑपरेट फॉर कम्युनिटी अफोरेस्टेशन, उन्होंने कम्युनिटी अफोरेस्टेशन के लिए ऑप्ट किया, टू सेव इंडिजिनियस स्पीसीज को बचाने के लिए। दे मेड अटैम्प्ट टू रिवाइव द ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मैथड, उन्होंने बहुत सारे अटैम्प्ट किए ताकि वो ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मैथड्स को भी जारी कर पाएँ, वापस ला पाएँ। अब बीज बचाओ आंदोलन क्या था तैहरी में, बीज बचाओ आंदोलन इन तैहरी एंड नवदाया सेव द नीड मूवमेंट वर्चेस को उन्होंने बचाया, उन्हें नीड मूवमेंट वर्चेस को बचाया। रीइंट्रोड्यूस कलेक्ट टेस्टेस डिस्ट्रीब्यूट्स एंड पॉपुलाइज एवरी इंडिजिनस वेराइटी ऑफ माउंटेन क्रॉप्स अवेलेबल। इट एडवोकेट्स द डिसकंटिन्यूशन ऑफ द यूज ऑफ केमिकल डिपेंडेंट नीड्स एंड सिंथेटिक केमिकल। इन्होंने ये भी कहा कि हमें जो है सिंथेटिक केमिकल्स का यूज़ नहीं करना अपनी खेती में, हमें ऑर्गेनिक खेती में यूज़ करना, ताकि वो, और इन्होंने कंटिन्यूशन कर दिया, यानी कि अब से वहाँ पर किस कोई भी सिंथेटिक जो है केमिकल वगैरह इस्तेमाल नहीं करेगा। दीज मेजर्स दे आर्ग्यू आर आल्सो इकोनॉमिकल वेलेबल एज डिस्पाइट क्रॉप प्रोडक्शन इन एडगो क्वांटिटी हैज़ बीन अचीव, ताकि जिसके कारण क्या हो सके, जो लैंड है उसमें ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन हो सके, जिससे फॉरेस्ट कम कट सके, ठीक है। मतलब क्योंकि लैंड हम काट क्यों रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उतनी उत्पादन होती नहीं, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए हम लैंड को काटते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें लैंड को नहीं काटना है, हमें मतलब अगर हम ऑर्गेनिक करेंगे तो ज़्यादा मतलब फसल होगी, और जिससे प्रोडक्शन भी ज़्यादा अच्छा होगा, और हम मतलब हमें पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे, और लोगों का भी भला होगा, ऑर्गेनिक से हमें कोई नुकसान भी नहीं होगा। इट हैज़ ऑल्सो बीन एबल टू रिवाइव द फ्री एक्सचेंज ऑफ नीव विद इन द कम्युनिटी and has proved that a lifeline of traditional mountain agriculture, ki unhone lifeline ko prove kiya. Ab joint forest management kya tha in India, JFM kaun hai, JMF sir, joint forest management short form, theek hai. To kya keh raha tha, in India JMF program furnishes a good example for involving local communities in the management एंड रिस्ट्रक्शन फॉर डिग्रेडेड फॉरेस्ट, ताकि वो उन्होंने क्या कर दिया था, लोकल कम्युनिटीज़ को अपनी मैनेजमेंट में डाल लिया था, और जिनसे क्या हो सके मतलब फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है वो कम हो सके। द प्रोग्राम हैज़ बीन इनफॉर्मल सिंस 1988 में ओडिशा ने फर्स्ट रेजोल्यूशन पास किया था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए। और फीचर्स क्या थे इसके, JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, depends upon the formation of local institution that undertake protection activities mostly on degraded forest land and managed by the forest department. इसे forest department के द्वारा manage किया जाता था, और ये क्या करते थे, depend करते थे किसके ऊपर, local formation के ऊपर, local village institution के ऊपर, ताकि वो क्या कर सके, forest को बचा सके depletion होने से, उन्हें degrade होने से, ताकि forest बच सके, उनको अपने साथ इन्होंने रलाया,
एक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बनाई जिसके कारण क्या हो सके, फॉरेस्ट के डिग्रेडेशन कम हो सके। लास्ट सम वेज डैट कैन पुट एंड टू इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन ऑफ अवर वाइल्ड, कुछ वे जो कर सकते हैं हमें एंड करने चाहिए जिससे क्या हो सके, डिस्ट्रक्शन ना हो सके अवर वाइल्ड लाइफ का। इफेक्टिव वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन एक्स वाई गवर्नमेंट ने चलाए जिससे क्या हो सके, मतलब डिफॉरेस्टेशन ना हो। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ हैव टू सेट अबाउट 14 बायो रिजर्व टू प्रोटेक्ट बोथ फ्लोरा एंड फौना के लिए उन्होंने बनाई। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू मैनी बोटेनिकल गार्डन्स बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992 में गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किए गए मैनी बोटेनिकल गार्डन्स को। प्रोटेक्ट टाइगर, प्रोटेक्ट राइनो, प्रोटेक्ट ग्रेट इंडियन टू बस्टर्ड एंड मैनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैव बीन इंट्रोड्यूस इन प्रोजेक्ट्स को चलाया गया। देर आर 89 नेशनल पार्क, 409 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जूलॉजिकल गार्डन सेटअप किए गए। बिसाइड दैट ऑल ऑफ अस मोस्ट रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम ऑफ आवर सर्वाइवल, इसके द्वारा हमें रियलाइज हुआ इम्पॉर्टेंट नेचुरल इकोसिस्टम का भी हमें रियलाइजेशन हुआ इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कि हमें अपने इकोसिस्टम को बचाना चाहिए। तो बस इसके साथ ही चैप्टर होता है यहीं पर ख़त्म। तो बड़ा चैप्टर नहीं था, ज़्यादा ईजी भी ठीक था ये चैप्टर। अब इस चैप्टर का मेन थीम था हाउ टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। अब आपको अभी क्या करना है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। अगर कोई किसी को मार रहा है तो आपको उसे बचाना है, उसे समझाना है। और हमें अब इस धरती को बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह जैसे चीते अब इस दुनिया में से गायब हो चुके हैं इंडिया में, धीरे धीरे क्या आएगा, एक ऐसा समय आएगा जिससे इंडिया में बहुत सारी स्पीसीज जो है गायब हो जाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चलाए। तो बस आज के सेशन के लिए इतना ही। अब पूरी प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर चेकआउट कर सकते हो। और जल्दी इसके एक नए चैप्टर के साथ भी मैं आपको मुलाकात करवाऊंगा। अभी थोड़ा डिले होगा, सॉरी फॉर द वन शॉट, बट जल्दी आपके लिए एक नए चैप्टर का भी वन शॉट आएगा। तो बस अब से आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। और हाँ, क्लास 10th इंग्लिश की पूरी प्ले लिस्ट हो चुकी है कम्प्लीट, जाके चेकआउट करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें मैं आपको PYQs प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगर आप उसे डेली देख रहे हैं तो आपको पता होगा। और बाकी हमने कुछ हिंदी सब्जेक्ट को अभी हमने स्टार्ट कर दिया है, नहीं देखा है पूरे सब्जेक्ट्स की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो बस आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक अवर चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय।